नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं गोंदिया न्यूज अपडेट्स। आइए अब बढ़ते हैं आज की गतिविधियों की ओर। गोंदिया बिरसी विमानतल, जहां ब्रिटिश कालीन एयरपोर्ट जो खंडहर बन चुका था, उसे अनेक वर्षों से पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने विविध सुविधा प्राप्त कर दी थी, जिसमें पहले विमानों का प्रशिक्षण केंद्र बनाने में सफलता प्राप्त की। उसके बाद गोंदिया की जनता एवं व्यापारी के लिए आज से विमान सेवा शुरू की गई है, जिसे झंडी दिखाकर गोंदिया से हैदराबाद रवाना किया गया। इस अवसर पर सांसद सुनील मेंडे, सांसद अशोक नेते, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल, विधायक विनोद अग्रवाल, सांसद दया सिंह बिसेन, जिलाधिकारी नैना गुंडे, अनिल पाटिल, विश्व पानसरे, गज्जू फुंडे, एयरपोर्ट के अधिकारी आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। मुंबई जैसे अन्य जगह यह सेवा बढ़ाई जाने की चर्चा होकर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, ऐसी आशा की जा रही है। गोंदिया भंडारा बालाघाट जिल्ह्यासाठी फार महत्त्वाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे आणि तुम्हाला सर्वांना माहित आहे आणि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहेबांनी पण सांगितलं की गोंदियाचं विमानतळ बनवताना खासदार प्रफुल्ल पटेल जेव्हा केंद्रीय मंत्री नागर विमानचे मंत्री होते, कशा पद्धतीने हे आधुनिकतम एअरपोर्ट झालं। आधुनिकतम एअरपोर्ट झाल्यानंतर इथे देशाची सर्वात मोठी अकॅडमी आली आणि याच्यामुळे गोंदिया भंडारा बालाघाट जिल्ह्याचा विकास झाला पाहिजे यासाठी एक मोठा प्रयत्न प्रफुल्ल पटेल साहेबांनी केला आणि या विमानतळामुळे एक चांगलं विमानतळ त्यांनी केलं। त्यांची कल्पना होती की माझ्या गोंदियामध्ये एक चांगलं विमानतळ झालं पाहिजे, एक चांगली अकॅडमी आली पाहिजे आणि हे विमानतळ पूर्ण सुविधायुक्त आल्यामुळे आज एक फ्लाईट सुरू झाली, त्याचा उल्लेख सुद्धा माननीय सिंधिया साहेबांनी केला, पिंडे साहेबांनी पण प्रयत्न केले आणि जे नाईट लँडिंगची सुविधा बद्दल मी आज वर्तमानपत्रकात वाचला की इथून कुठे चेंज शिफ्ट करण्यात आली आहे, ते प्रफुल्लबाईच्या माध्यमातून पुन्हा गोंदियाची कोणतीही सुविधा नाही झाली पाहिजे, नाही गेली पाहिजे यासाठी प्रयत्न करणार आणि नक्की पुढे जे लोकांची कल्पना आहे पुणे मुंबईला विमान, पुणे आणि विमान मुंबईची जी इच्छा आहे ते प्रफुल्लबाईच्या माध्यमातून इंडिगो आणि मोठी एअरलाईन्सची चर्चा करून आजच्या संदेश प्रफुल्लबाईपर्यंत पोहोचून गोंदियावरून पुणे मुंबई औरंगाबाद जे लोकांना कमी करण्यात आली पाहिजे त्याचा नक्की विस्तार होईल अशी माझी कल्पना। 2006 से 2008 के बीच में हमारा गोंदिया एयरपोर्ट बनके तैयार था, मगर आज तक एक भी कमर्शियल फ्लाइट यहाँ से उड़ा नहीं था, जो आज सबके सामने हम सबके सामने बड़े अच्छे उत्साह के वातावरण में हमारा पहला कमर्शियल फ्लाइट आज यहाँ से टेक ऑफ हुआ, जो हैदराबाद के लिए टेक ऑफ हुआ और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में मुंबई के लिए भी यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट टेक ऑफ होगा। अब हमको मालूम है आप सबको कि हैदराबाद और इंदौर डायरेक्ट हमसे जुड़ा हुआ है और हैदराबाद से मुंबई जुड़ा हुआ है और इंदौर से काफ़ी सूरत से लेके दिल्ली से लेके सब उसका कनेक्टिविटी है। मुझे लगता है कि हमारे गोंदिया वासियों को अभी नागपुर जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, यहाँ से वो कहीं भी देश में उड़ पाएंगे। दूसरी बात, आज सिंधिया जी ने बड़ी अच्छी घोषणा की हमारे लिए, उड़न मंत्री जी ने, कि कार्गो के लिए भी यहाँ से बहुत जल्दी सेवा चालू करेंगे और मुझे विश्वास है हम सबका जो उत्साह मैंने देखा आज हमारे खासकर गोंदिया वासियों का, जिस तरह से उन्होंने मुझे सम्मान यहाँ तक लाया, मुझे विश्वास है कि हमारा ये गोंदिया एयरपोर्ट चालू होने की वजह से सभी व्यापारी बंधुओं को, यहाँ के लोगों को, आम लोगों को इसका फायदा होगा, आम लोगों को रोज़गार मिलेगा। किसान भाइयों का यदि कार्गो चालू होता है तो किसान भाइयों का अनाज या जो फूल या जो भी फ्रूट है वो एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा, इन सबसे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सभी को फायदा होगा। फिर से एक बार सभी गोंदिया जिलावासियों को बहुत बहुत बधाई। माननीय अंडर सेक्रेटरी पाजी मैम, ठीक उसी प्रकार से माननीय सीएस रंधावा साहब, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।